कोरोना के इस संकट काल में जब सभी लोग अपने घरों में अपने आप को कैद रखे हुए हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे युवा भी हैं जो अपनी जान के साथ साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में डालकर दिल्ली से सोलन लग्जरी गाड़ी में घूमने निकल पड़े। हैरानी वाली बात यह है कि इनके पास कोई भी पास नहीं था और ना ही कोई अनुमति। उसके बावजूद भी इन युवाओं ने ना जाने क्यों हिमाचल में आने का जोखिम उठाया, लेकिन सोलन की जागरूक पुलिस की आंखों में ये युवा धूल नहीं झोंक सके। फिलहाल पुलिस ये जानने का प्रयास कर रही है कि ये कहां से आए और किस उद्देश्य से सोलन पहुंचे थे। इन चारों को अब पुलिस सरकारी केंद्र में क्वारंटीन करेगी और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अधिक जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी राकेश गुलेरिया ने बताया कि ये चारों युवक दिल्ली नंबर की गाड़ी में बैठकर पुलिस व्यवस्था को चकमा देते हुए डेरों पाल से होते हुए सोलन में प्रवेश कर रहे थे, जिस पर उनकी टीम ने उन्हें पकड़ लिया। प्रभारी ने बताया कि ये युवक दिल्ली के रहने वाले हैं और ये सोलन में घूमने आए थे। फिलहाल इन युवकों से कड़ी पूछताछ की जा रही है और ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये सोलन में किस उद्देश्य से आए थे। चारों युवकों के पास कोई भी अनुमति नहीं है। इन सभी के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, ये अभी 3:45 हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ पे भवंता माल के पास दिल्ली नंबर गाड़ी जो घूम रहे हैं और 3-4 लड़के हैं उसमें, और एक दो लड़के बिना मास्क से हैं, तो इन्हें जाके आगे देखें। तो जिस पर हम वहाँ गए थे भवंता माल के पास, तो ये डीएल नंबर गाड़ी थी। डीएल नंबर गाड़ी में 3-4 युवक हैं ये, तो इनको हमने पूछताछ बर्बली पूछताछ वहाँ मौके पर की थी। तो हमने पास मांगा था कि किस लिए, ये इनका कहना है कि हम घूमने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ हिमाचल आने के लिए इनके पास पास नहीं था, तो इनको हम यहाँ लेके आए हैं, अभी पूछताछ कर रहे हैं। अगर बिना पास से आए हैं तो इनके खिलाफ 100% FIR होगी। ये क्या परमाणु बैरियर थे यहाँ पर अंदर? ये सर अभी अभी कुछ जानकारी ये सामने आ रही है कि ये बाया परमाणु नहीं आए हैं। ये थोड़ी सी इन लड़कों से पता चला है कि ये मनाली वाले रोड से जाते हुए, ढेरोवाल से होते, बाया स्पट्टू होते हुए ये सोलन पहुँचे हैं जी। फिर भी जो तफ्तीश में जो सामने आता है वो देखते हैं कैसे आता है। ये दिल्ली के रहने वाले हैं और सभी एक दो बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ एक अपना काम करते हैं। ये ऐसे सोलन में आए थे और सोलन से वापस जाने का इनका कहना है कि सोलन से वापस जाना था।